देखिए तेजी मंद ही क्लियर कट आप लोगों को व्यू मिल जाता है मेरे चैनल पे। अगर जिसको डाउट है वो मैसेज कर सकता है क्या मिलता है कि नहीं मिलता है। कल हमने क्लियर कट बोल दिया था बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी यूज करना है, रिलायंस और हीरो मोटर को बाई करना है। रिलायंस में क्लियर कट सिग्नल था कि डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट हो जाएगा और डबल बॉटम के कारण। जैसे रिलायंस क्या था 10 दिन पहले जब मैंने एनालिसिस करके दिया था कि रिलायंस को बाई करना चाहिए, तो 2350-60 के रेंज में बोला था बाई करने के लिए। नीचे गया 10-20 रुपया, 2320 का लो लगाया और बाउंस करता है 2450 रुपये तक जाती है, फिर दोबारा रीटेस्ट होता है डबल बॉटम के आसपास। 2350-60 का ही मेजर टारगेट था, याद होगा जो लोग लगातार मेरे वीडियो को फॉलो करते आए हैं। और ये वीडियो स्पेशल मेंबर जोन का है, पब्लिक में या कहीं भी आप अगर फॉलो करते आए हैं तो आपको याद होगा कि जब जून में रिलायंस इंडस्ट्री टॉप बना रही थी तो मैंने बोला था कि 3 महीने तक ये डाउन साइकिल में रहेगा और ये स्टॉक कहीं ना कहीं मेरे को 2350 रुपये तक जाते हुए दिख रहा है। 2350 और 2350 जाने के बाद क्या होता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में 200 रुपये और टूट सकता है, वर्स्ट के सिनेरियो। टारगेट मेरा 2350 रुपये का था और धीरे धीरे मूवमेंट ऊपर नीचे करते हुए तीसरे महीने ये नीचे भी आता है, बाउंस करता है और चौथे महीने में फाइनल बॉटम बना के कल मेरे हिसाब से अब इसमें ब्रेकआउट भी आज दिख जाएगा जो मार्केट का कंडीशन है। तो रिलायंस जैसे स्टॉक में, हीरो मोटर पे भी मैंने बोला था 2700-2600 के आसपास कि जब भी 2550 तक मेरे हिसाब से बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी यूज करना है, 2550 पे इसका फाइनल बॉटम होगा और वर्स्ट के सिनेरियो में 2350 तक जा सकता है, ये भी मैंने बोलता हुआ आ रहा हूँ। तो जब हीरो मोटर जैसे स्टॉकों का, रिलायंस जैसे दो तीन हेवी वेट के स्टॉकों का अगर बॉटम बनते हुए दिखे तो फिर कहीं ना कहीं बाजार की भी बॉटम बनते हुए आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। उसी के बेसिस पे मैंने बोला था कि बहुत सारे लार्ज कैप के स्टॉकों का बॉटम बनते हुए दिख रहा है, डाइवर्जन हो सकता है कि कुछ स्टॉक का टॉप नहीं बॉटम नहीं बना है, इस कारण से बाजार ऊपर जाके नीचे आता रहेगा और 27 तारीख तक बॉटम बनाएगा। लेकिन कल जो हुआ है या इस हफ्ते जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुआ है और एक ही रेंज में ट्रेड हुआ है, ये कहीं ना कहीं तेजी अगर शुरू होती है तो एक तेजी अच्छा खासा आएगी। दूसरा चीज़ जैसे हमने बोला है कि तेजी अगर आएगी तो हम पहले पकड़ लेंगे। देखिए लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन, महीने 2 महीने के प्रेडिक्शन से आप पैसे नहीं बना सकते हैं। डे बाय डे या जिस दिन रिवर्सल ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, तेजी आने वाली है, उस दिन के एनालिसिस से पैसे बनेंगे। तो ये एनालिसिस यहाँ नहीं छूटने वाला। वैसे जैसे मैंने पहले बोला था क्लियर कट कि अगर तेजी आएगी नीचे से तो सबसे पहले मैं ही बताऊंगा। तो कल वैसे हमने क्लियर कट बोल दिया था सुबह मॉर्निंग में ही कि 17,000 के नीचे की क्लोजिंग ही बेयरिशनेस की तरफ जाएगा और क्लोजिंग आपने देखा अच्छा खासा 17,000 के ऊपर हुआ और बार बार 16,950, 16,970 के लेवल को छू छू के बाउंस कर रहा था। रिलायंस जैसे स्टॉक, हीरो मोटर जैसे स्टॉकों में डबल बॉटम बनते हुए दिख रहा था, तो क्लियर कट हमें तेजी में ही आना था। दूसरा चीज, कल इवेंट था यूएस में, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था और इन्फ्लेशन का डाटा एज फॉर एनालिसिस मेरा जो व्यू था, कल इन्फ्लेशन का डाटा आने के बाद दो तीन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सर 500 पॉइंट माइनस में चला गया। मैंने बोला कि ये बियर ट्रैप करेगा, मींस इन्फ्लेशन के डेटा एक्सपेक्टेशन से मात्र 0.10 का एक्सपेक्टेशन था, 8.2 आया। उस एक्सपेक्टेशन को बीट, एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आने के कारण ये 500 पॉइंट नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं था। जाता 100-150 पॉइंट धीरे धीरे फिर ट्रेड होता तो माना जा सकता है कि डाउन ट्रेंड में है और भी नीचे जा सकता है। एक ओवरसोल्ड मार्केट में मात्र 0.10%, मीन जहाँ इन्फ्लेशन 2% 3% इस वजह से मार्केट में लगातार पिछले 20 सालों से रहा है और 30 साल के रिकॉर्ड को फेल करके 8% पे इन्फ्लेशन चला गया, वहाँ के लिए 0.1% ऊपर या नीचे आना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, वो ऑलरेडी सरप्राइज में चल रहा है।
और उस सरप्राइज को देख करके 500 पॉइंट माइनस में डाओ फ्यूचर को ट्रेड होना, ये साइकोलॉजिकली या एक्सपीरियंस के बेस पे, और तीसरा चार्ट का स्टडी के बेसिस पे क्लियर कट कोई भी पकड़ सकता था कि ये बियर ट्रैप है। बियर ट्रैप मीन्स बियर को आपको बियर ट्रेंड दिखा करके आपको ट्रैप करने के लिए दोबारा से तेजी आएगी और बॉटम वैसे ही बनता है। हमारे यहाँ अभी वैसा नहीं बना है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि 27 तारीख के आसपास क्या होगा, लेकिन यहाँ से एक हफ्ते का ट्रेंड क्लियर कट दिख रहा है और हमारे यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा है और हमें 20,000 जाना है तो 17,000 के आसपास बॉटम बना रहा है, तो ये स्ट्रेंथ हम बाद में अंडर परफॉर्म करेंगे। 20,000 के आसपास जाने के बाद अंडर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि तो आज अगर अंडर परफॉर्म नहीं हो रहा है तो आगे अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगी। तो फिलहाल हम यहाँ से मंदी का व्यू छोड़ के, अगर कंप्लीट, अगर इतना जो मैंने भूमिका रचा है उसका क्लियर कट व्यू ये है कि यहाँ से मंदी का व्यू छोड़ के तेजी का व्यू जो कल ही मैं आ गया हूँ करेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक गैप अप में नहीं खरीदना है। जिन लोगों ने कल के व्यू पे बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी बोला था, जिन लोगों ने कल के व्यू पे खरीदा है उनको प्रॉफिट 200 डीमा, ये आपका 200 डीमा है 400 के आसपास, यहाँ एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पार्सली। अब देखेंगे क्या कर रहा है। मैं 20 डीमा के आसपास की क्लोजिंग हुई है, ये है 50 डीमा, 17,170 तक एक मेजर रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर जाके यहीं पे सपोर्ट ले। और ध्यान से देखना है कि ये 17,170 के आसपास आवे तो आप खरीद सकते हैं 17,100 पॉइंट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 17,400 के टारगेट के लिए। तो सिंपल सा स्टडी है, स्टॉक स्पेसिफिक, हीरो मोटर, रिलायंस इंडस्ट्री कल ही बोला था बाई के लिए, अभी बहुत सारे स्टॉक होंगे, शॉर्ट से इग्नोर कीजिए अभी। और यहाँ से तेजी के बारे में व्यू मेरा क्लियर कट है, यहाँ से शॉर्ट टर्म तेजी का है और फिर कहाँ तक जाता है तो ये जाने के लिए ये जो फॉल किया है 17,400, यहाँ तक तो पहला मूवमेंट होगा और इसको पार कर जाता है, 200 डीमा भी है पार कर जाता है तो 17,700, 17,600, 17,600 तक की तैयारी कर लेना चाहिए यहाँ से। तो ये है कंप्लीट व्यू फॉर इंडेक्स निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी वही व्यू होगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो फिलहाल 17,400, 17,170 इन दोनों लेवलों पे ध्यान रखना है। अगर आज जा करके ऊपर रिवर्स कर जाता है 17,170 फेल हो जाता है और उसके बाद ये 20 डीमा के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, तब भी एक मूवमेंट चांस है ऊपर जाने का, फिर भी तब भी हम बाई करेंगे। लेकिन 17,050 के नीचे और 17,000 के नीचे की क्लोजिंग ही बेरिशनेस, जो 1% चांसेज है ऊपर जाके पूरा वापस नीचे आ जाना, फिर हम बेयर ट्रेंड में आ जाएंगे, फिर लाइव मार्केट में देखेंगे क्या करना है, चांसेज 1% है। फिलहाल 17,170 के आसपास मिले गैप अप में, 17,170 के आसपास ऊपर से जाके रिवर्स करे तो वहाँ पे खरीदेंगे जिन्होंने कल नहीं खरीदा है। तो ये है व्यू मेरा, व्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जिन लोगों को मेरी एनालिसिस कल समझ में नहीं आई और आज खुद के नहीं लेना है। हाँ, स्टॉक मिल जाएगा आपको बहुत सारे स्टॉक, SBI नेक्स्ट स्टॉक SBI होगा, और भी स्टॉकों की मैं बात करूँगा। फिर तब तक मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।